खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर नगरपालिका क्षेत्र के रसूलपुर के लोगों ने जल जमाव और नाली की समस्या को लेकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे भी लगे। दरअसल नगरपालिका परिषद मुबारकपुर के मोहल्ला रसूलपुर में लगभग 7 माह से मोहल्ले वासियों के घरों का गंदा पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मोहल्लेवासी कई बार नगरपालिका के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस पड़ी है। आपको बता दें कि मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि घर के बाहर नाला ना होने से हमारे घरों का पानी बहकर कब्रिस्तान में जा रहा है, जिसको लेकर अमिलो मोहल्ला के कब्रिस्तान वालों से कई बार विवाद भी हो चुका है। लोगों ने बताया कि जिन लोगों की कब्रिस्तान है, उन लोगों ने हमारे घर के सामने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया ताकि कब्रिस्तान में गंदा पानी बहकर न जाए। हालांकि इससे मोहल्ले वालों की समस्याएं कम नहीं हुई, बल्कि गंदा पानी के जल जमाव के कारण गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है। वहीं कुछ लोगों को अपने घर में आने जाने के लिए इसी गंदे पानी से चलकर जाना पड़ता है। वहीं मोहल्ले के तजमुल हुसैन का कहना है कि हमारे घरों का पानी पिछले 30 साल से एक पुरानी नाली थी जिसमें बह रहा था, लेकिन मोहल्ले के ही मुन्नी लाल यादव ने अपना खेत दिखाकर मेड़ बांध दिया, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर हम नगरपालिका प्रशासन और जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन केवल हम लोगों को 7 माह से आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो इसके जिम्मेदार नगरपालिका प्रशासन होगा। अंत में मोहल्ले के सभी लोगों ने नगरपालिका से निवेदन करते हुए अपनी मांग किया कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था करें ताकि हमारे घरों का भी पानी बह सके। सबसे बड़ी परेशानी घर का पानी जो गंदा है घर में है, और ये गड्ढा खोद के 5-6 फुट गहरा एक मुसीबत और आ गई है। कौन गड्ढा खोदा है? ये क्या है? ये अरे जिसकी कब्रिस्तान है वो खोद दिया अपनी बचाव के लिए। अच्छा। और हम लोग बार बार तो आप लोग के पानी कब्रिस्तान में जा रहा था? हाँ, जब बांध दिया वो आगे तो पुरानी नाली जो वहीं जा रहा था कब्रिस्तान में, तो अपने बचाव के लिए वहाँ पे गड्ढा खन दिया। हाँ, क्या चाहते हैं हम लोग? अरे ये हमारा मसला हल हो जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, खाली आश्वासन तारीख पे। क्या करेंगे तो हल हो जाएगा? यहाँ के हमारा सब काम शुरू करा दे, हमारा मसला हल हो जाए, नाला बनवा दे, गांव का पानी बाहर निकल जाए। ये नाला तकरीबन नवंबर से, मतलब 20 नवंबर से ये बांध दिया मुन्नी लाल यादव, अपना खेत दिखाकर अगल बगल जो मेड़ी है इस रास्ते से पुरानी नाली जा रही थी हमारी 30 साल, जो ये हमारे पास कागज़ है वो हम उसको भी दिखाए हैं, नगर पालिका को भी दिखाए हैं और यू साहब को भी दिखाए हैं। क्या मांग है अभी? हमारी मांग है कि हमारे नाला घर से बाहर पानी निकलना चाहिए। हमारे घरों में आप देख लीजिए, हमारे घरों में पानी है, हम सोते उठते जो भी रहता है गंदा पानी पीते हैं हर वक्त, और पीलिया भी हो जाएगी, बीमारी फैलने की आशंका, गर्मी बहुत भीषण चल रही है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस नाले को बनवाया जाए। कितने दिनों से ये समस्या हो रही है? ये समस्या करीब करीब 7 महीना हो गया करीब करीब, और हमें खाली आज भी आश्वासन मिला है, ये नगर पालिका से हमें आश्वासन मिला है, चेयरमैन साहब से, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से, नगर पालिका से। आगे हमने डीएम को दरखास्त दिया था, वो दरखास्त आ गया नगर पालिका में, नगर पालिका हमें अभी बुलाया नहीं है। अच्छा। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। मगर उन्होंने तारीख पे तारीख दिया, इसके पहले 20 तारीख को हमको वादा किया था, उसमें भी धोखा दिया। वादा किया था कि हम 20 तारीख को आपका काम पूरा कर देंगे, हमारा सब टेंडर वेंडर हो गया है, हम आपका काम पूरा जारी करेंगे, वो भी 20 तारीख निकल गया, फिर ये 23 तारीख का फिर वादा किया है। मौके पर नहीं आई, बुलाया जाता वो नहीं आ रही है। अब पहले आई थी, 2-4-5 महीना पहले आई थी, अब नहीं आ रही है, उसको बुलाया जा रहा है। 4 दिन पहले एक बच्चा इस गड्ढे में गिर गया, उसको बाल बाल बच गया, इसका किसके कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार नगर पालिका होगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।